हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो टुडे हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1। तो 3.2 एक्सरसाइज पूरे चैप्टर में बहुत बेसिक है। कार्टेशियन सिस्टम जो है, कार्टेशियन प्लेन जो हमने वहां पे पढ़ा है, तो आप बेसिक समझने के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि आप जब हायर क्लास में जाओगे तो वहां जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बेसिक अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इजिली आप इनका आंसर कर पाओगे। वॉट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो आप यहाँ पे देखो, ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने बनाया था यहाँ पे। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। ये नेमिंग किया हुआ है हमने एक्स टू एक्स डैश तक। इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकती है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकती है। और ये हमारी वाई एक्सिस है, जो यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है वो ऑरिजन हो गया। तो जो ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। फिर आपको यहाँ पे क्या पूछा है, तो पहले फर्स्ट का आंसर लिख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होती है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन हमारी होती है वाई एक्सिस। तो डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट, तो किसी भी पॉइंट का पोजिशन फाइंड करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ओके, तो ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया। नाउ सेकेंड, What is the name of each part of the plane formed by these two lines? तो इन दो lines से जो आपका plane है वो कितने part में divide हुआ है, यहाँ पे 4 part में divide हुआ था। तो 4 part यानी कि एंटी क्लॉक वाइज आपको चलना है। तो ये इनको हम क्या कहते हैं, ईच पार्ट को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। तो ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि दो लाइन को आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, या चाहे आप प्लस भी बना के देख लो, तो ये प्लस भी है वो प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। और ईच पार्ट जो होता है वो 1/4 होता है पूरे प्लेन का। तो इसका सिंपल सा आंसर हमारा क्या है, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन्स इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन्स इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपके यहाँ है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो यही जो दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑरिजन। तो रेने डिकार्टे ने यही तो कहा था, उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन लिया, एक वर्टिकल नंबर लाइन लिया, और दोनों को वहां पे ज्वाइन किया जो कि जीरो पे इनको ज्वाइन किया। तो जीरो पॉइंट को, यानी कि एक्स एक्सिस का जीरो पॉइंट, वाई एक्सिस का जीरो पॉइंट, यानी कि ऑरिजन को आप यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ऑरिजन। तो सिंपल सा आंसर है हमारा थर्ड पार्ट का, कि जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको हमने कहा है ऑरिजन। ऑरिजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारा, जीरो जीरो, एक्स एक्सिस भी जीरो एंड वाई एक्सिस भी जीरो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जैसा हो गया, जैसे एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में इनको पूछ सकते हैं। तो ये आपके सेक्शन ई का पार्ट, सेक्शन ए का पार्ट हो गया। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपने अच्छे से अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आप किसी भी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आ जाए, या ये प्लेन्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे। तो थैंक यू।